शासन के काम से सीधे जुड़ा कोई भी अधिकारी अपने गृह जिले में नहीं रह सकेगा। साथ ही पिछले 4 सालों में से 3 सालों तक वह अपने जिले में रहा हो तो उसका तबादला होगा। 31 जनवरी 2024 को कट ऑफ तिथि मानते हुए राज्य सरकार को 31 जुलाई तक ऐसे तबादले करके कार्यपालना रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। राजस्थान में नई विधानसभा का गठन 14 जनवरी 2024 तक पूरा किया जाना है। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित उन राज्यों के मुख्य सचिवों को दिशा निर्देश दिए हैं जहां चुनाव होने हैं। साथ ही निर्देशों में चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों को गृह जिले से हटाने के लिए कहा गया है। निर्देशों के अनुसार अगर कोई अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात है तो उसका तबादला करना होगा। अगर अधिकारी ने अपने 4 में से 3 साल उसी जिले में सेवाएं दी हो तो उनका भी तबादला करना होगा। इसके लिए राजस्थान के लिहाज से कट ऑफ तिथि 31 जनवरी 2024 तय की है। उसी के अनुसार अवधि निर्धारित करते हुए तबादले के लिए कहा गया है। किसी राज्य सरकार को निर्देशों की पालना में कठिनाई हो तो वह खास कारण सहित मामला आयोग को छूट के लिए भिजवा सकता है। चुनाव ड्यूटी में लगे डीईओ या कलेक्टर, डिप्टी डीईओ, आरओ, एआरओ, ईआरओ इस दायरे में आएंगे। एडीएम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, ईआरओ, एईआरओ, संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार, बीडीओ या उसके समान रैंक वाले अधिकारी दायरे में आएंगे। रेंज आईजी, डीआईजी, विशेष सशस्त्र बलों के कमांडेंट, एसएसपी, एसपी, एएसपी, सब डिविजनल हेड ऑफिस पुलिस, एसएचओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट, मेजर और उसके समान रैंक वाले अधिकारी दायरे में आएंगे। सब इंस्पेक्टर और उसके ऊपर के अधिकारी भी अपने गृह जिले में नहीं रहने चाहिए। सब इंस्पेक्टर जिसने 4 साल में से 3 साल एक सब डिवीजन में गृह जिले में बिताए हों, उनका ऐसे दूसरे सब डिवीजन में तबादला करना होगा जो उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो। अगर जिला छोटा होने से यह संभव नहीं हो तो उसका दूसरे जिले में तबादला करना जरूरी है। वहीं किसी विभाग के मुख्यालय में पोस्टेड अधिकारी जो चुनाव से सीधे जुड़े नहीं हों, वो अधिकारी निर्देशों के दायरे से बाहर रहेंगे। इनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल आते हैं। सेक्टर ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में चुनाव ड्यूटी में आने वाले अधिकारी भी इस दायरे से बाहर होंगे। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, डीईओ जैसे अधिकारी उन पर बारीकी से निगरानी रखेंगे। चुनाव कार्य में पूर्व में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी जिनके खिलाफ आयोग की ओर से कार्रवाई की गई हो, उन्हें चुनाव कार्य की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। अगर किसी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामले पेंडिंग है और उसे चुनाव कार्य में लगाया गया तो आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। अगले 6 माह में रिटायर होने वाले अधिकारी को भी चुनाव कार्य की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। किसी भी ऐसे स्टेट ऑफिसर्स को जिसका एक्सटेंशन हुआ हो या पुनर्नियुक्ति पर सेवाएं दे रहा हो उसे भी चुनाव कार्य में नहीं लगाया जाएगा। सारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस नीति को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग पर निगाह रखेंगे। सारे चुनाव से जुड़े अधिकारियों को एक फॉर्मेट में घोषणा पत्र देना होगा। इन निर्देशों की कार्यपालना ईसीआई ने 31 जुलाई तक करने को कहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद राजस्थान सरकार को अब एक के बाद एक ताबड़तोड़ तबादले करने पड़ सकते हैं और जुलाई तक यह मौसम जारी रहने वाला है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ ऋतुराज शर्मा।